ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज हम आपके लिए अपने इस वीडियो में लेकर आए हैं कृष्ण लीला का एपिसोड 2, जिसमें हम आपको बतलाएंगे कृष्ण जन्माष्टमी और नंद उत्सव के बारे में। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, नंद बाबा के घर भगवान श्री कृष्ण जी प्रकट हुए हैं और नंदोत्सव मनाया गया है। सभी नंद उत्सव मना रहे हैं। उत्सव का अर्थ होता है दोस्तों उत्साह। दोस्तों खुशी सारे गोकुल में ही नहीं सारे ब्रज में उत्सव मनाया जा रहा है। सभी लोग को लग रहा है कि हमारे ही घर में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है, क्योंकि दोस्तों जब तक आप परमात्मा को अपना नहीं बनाएंगे आपको आनंद नहीं आएगा। वो आनंद ही कृष्ण है, तभी तो नंदोत्सव कहा गया है। नंद बाबा ने फिर उन्हीं ब्राह्मणों को बुलवाया जिनकी कृपा से ये दिन देखने को मिला था। जात कर्म करवाए, 7 तिल के पर्वतों का दान किया और 2,00,000 गौओं का भी दान किया। नंद बाबा ने सभी को दान दिया है और खूब धन लुटाया है। ऐसा लग रहा है जैसे लक्ष्मी ब्रज में लौट रही है। नंद बाबा ने जिसने जिस वस्तु की कामना की है उसी के अनुसार उसे लुटाया है। किसी ने हाथी की सवारी मांगी है, किसी ने गैया मांगी है। दोस्तों इसी क्रम में एक ब्राह्मण नंद बाबा के पास आए और उसे नंद बाबा ने बधाई दी है। ब्रजराज बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा ने ब्राह्मण को प्रणाम किया और कहा, क्या चाहिए ब्राह्मण देव? उसने गौ की याचना की है। नंद बाबा ने उसे गौ प्रदान की है। ब्राह्मण गौ लेकर अपने घर आ गया, घर के आंगन में गौ बांधी। ब्राह्मण ने सोचा, आज तो नंद बाबा को होश नहीं है कि कौन कितनी बार दान लेकर जा रहा है, वो तो लुटाए जा रहे हैं, तो क्यों ना एक गौ और ले आऊं। और वह ब्राह्मण दोबारा पहुंच गया नंद बाबा के घर और कहा, ब्रजराज बधाई हो। बाबा बोले, क्या चाहिए महाराज? बोले कि एक गौ दे दो। नंद बाबा ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, ले जाइए। एक गौ और दान में दे दी। उन्हें याद नहीं है कौन कितनी बार क्या लेके जा रहा है। दोस्तों जिसको बाके बिहारी मिल जाए उसे दुनिया की कोई बात याद ही नहीं रहती है। ब्राह्मण गौ लेकर घर गए और वो भी बांध दी। फिर पहुंच गए नंद बाबा के घर। बस लाए जा रहे हैं और नंद बाबा भी दिए जा रहे हैं। ब्राह्मण का पूरा आंगन गायों से भर गया। अब भी वह ब्राह्मण नहीं रुके और गौ लेकर आ गए। तब ब्राह्मणी बोली, अब यहाँ कहाँ बांधोगे? ब्राह्मण ने एक खूंटा लिया और कमरे में गाड़ दिया और वहाँ गौ बांध दी। देखते ही देखते ब्राह्मण के सारे कमरे भी गौ से भर गए। लेकिन कमाल है, फिर वह ब्राह्मण नंद बाबा से एक गौ मांग कर ले आए। ब्राह्मणी बोली कि अब तो घर में बांधने की जगह भी नहीं है, कहाँ बांधोगे? ब्राह्मण बोला कि अभी भी जगह बची है, तू बस देखती जा। जैसे तैसे रस्सी खींच कर गौ को लेकर गए और घर की छत पर बांध दी। और लाए जा रहे हैं, सारी छत भी गायों से भर गई है। आंगन में गाय, कमरों में गाय और छत पर गाय। पर कमाल हो गया कि फिर से वह ब्राह्मण एक गौ ले आए। ब्राह्मणी बोली कि महाराज हद पार कर दी आपने, अब तो कहीं भी जगह नहीं है। ब्राह्मण बोला कि अभी भी जगह बची है। जैसे तैसे रस्सी पकड़कर गौ को अंदर लेकर गए और चूल्हा को तोड़ दिया। चूल्हे में ही गाय का खूंटा गाड़ दिया। ब्राह्मणी ने सर पीटा और बोली कि महाराज ये क्या कर दिया, चूल्हा ही तोड़ दिया, अब रोटी कहाँ बनाऊंगी? ब्राह्मण बोला, अरे बावड़ी, रोटी खाएगा कौन? अब तो नंद के घर लाला हुए हैं, दूध दही और माखन ही खाएंगे बस। प्रेम से बोलिए, बाल कृष्ण लाल की जय। तो दोस्तों इस प्रकार सबने आनंद से इस उत्सव को मनाया है। नंद बाबा उस उत्सव को मनाकर मथुरा गए हैं, क्योंकि नंद बाबा प्रतिवर्ष वार्षिक कर प्रदान करने के लिए मथुरा जाया करते थे। कंस को कर प्रदान कर जब वह घर लौटने लगे तो उन्हें याद आया कि अपने मित्र वासुदेव से भी मिलता चलूं। जब वासुदेव ने दूर से अपने मित्र नंद बाबा को आते देखा तो देखकर गदगद हो गए। आओ नंद जी आओ, वापस आपसे मिलकर ऐसे लगता है जैसे निष्प्राण देह में प्राण आ गए हों। गोकुल में सब प्रकार से आनंद है, सुना है आपके यहाँ बेटा हुआ है और गोकुल में सब ठीक है ना? देखिए इस बात को वासुदेव जी छिपा रहे हैं कि खुद ही लाला को गोकुल छोड़कर वह आए हैं। नंद बाबा को भी ये बात मालूम नहीं है। नंद बाबा कहते हैं कि लाला एकदम ठीक है। नंद बाबा कहते हैं कि हमारे ऊपर तो प्रभु की कृपा खूब बरस रही है, पर आपके साथ विधाता ने ठीक नहीं किया। वासुदेव जी एकदम चौंक गए और बोले, ब्रजराज आप क्या कहना चाहते हैं? नंद बाबा कहते हैं कि मैं कहना चाहता हूँ कि उस दुष्ट कंस ने देवकी के 6 पुत्र मार दिए, 7वां देवकी का गर्भ नष्ट हो गया और 8वीं कन्या हुई और वो भी स्वर्ग सिधार गई। वासुदेव जी ने कहा, देखो नंद, आज हमारे जीवन में दुख है तो कल सुख भी आएगा, पर आपसे एक बात कहूँ, मेरे मन में शंका हो रही है, आप शीघ्र ही गोकुल पधारिए। नंद बाबा ने एक
क्षण का भी विलम्ब नहीं किया और वासुदेव जी से आज्ञा लेकर वह गोकुल की तरफ चल निकले। तो यह था दोस्तों कथा भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की। दोस्तों हम अपने कृष्ण लीला के अगले पार्ट में आपको पूतना वध की कथा बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।